ये मेरी ड्रीम कार। जब कोई मेरी गाड़ी में बैठता है तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, यार ये क्या है? वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास ये गाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी लेके हवा में उड़ा रहे हैं, यानी तेज चला रहे हैं, ब्रेक कराई तोड़ा रहे हैं, किसी गाड़ी में टक्कर मार रहे हैं, कुछ खोल दे नहीं। वेलकम बैक टू कार्स प्लस बाइक्स। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा हैरियर का ओनरशिप एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मेरे साथ हैं विवेक जी। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अब आपने टाटा हैरियर कब ली और आपने टाटा हैरियर ही क्यों ली? हाय एवरीवन, जून 2019 में मैंने एक गाड़ी ली थी। मेरा एक शौक था शुरू से कि मैं एक मस्कुलर गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी जो कि 2012 मॉडल है। हमेशा लगता था कि हमारे पास एक परिवार के लिए एक अच्छी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। हमने कुछ गाड़ियाँ देखी और उसके बाद फाइनली हमने हैरियर को चूज़ किया। हैरियर की रोड प्रेजेंस इटसेल्फ आपको बताती है कि आप इस गाड़ी को क्यों लेना चाहते हो। हैरियर लेने से पहले मैंने एक ही गाड़ी कंपेयर करी, वो थी क्रेटा। हम शोरूम भी गए, वहाँ जा कर के हमने गाड़ी के रिव्यूज़ लिए, समझने की कोशिश करी कैसी है। देन फिर हम टाटा के शोरूम गए। टाटा के शोरूम जाने के बाद एज सून एज आई सॉ दिस कार टाटा हैरियर, इट वाज लाइक ये मेरी ड्रीम कार। मतलब आपने ये जब हैरियर देखी तो ये फाइनल कर दी? फिर और कोई डाउट नहीं था माइंड में कि कुछ और लेना है? राइट, ऑल्दो गाड़ी उस टाइम नई लॉन्च हुई थी तो वी डू हैव सम थॉट्स कि कुछ इश्यूज आएंगे, बट टचवुड एवरीथिंग वाज गुड। माइनर इश्यूज हमेशा आते हैं जो फिक्स होते हैं। आई एम एक्चुअली प्राउड टू हैव दिस कार। विवेक जी, हमें ये बताइए कि आपको इस गाड़ी के प्रोज या जिसे कह सकते हैं स्टैंड आउट पॉइंट्स क्या लगे, जो सबसे अच्छी चीजें आपको लगी अभी तक? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैसिव प्रेजेंस ऑन द रोड। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा आई कैचिंग रहेगा लोगों की आंखों में। जब भी आप ऐसी कोई गाड़ी लेते हैं एक्सयूवी, वो आप चाहते हैं कि जब आप रोड पे निकले तो लोग उसको देखें, राइट? एंड वो इस गाड़ी के साथ है। दूसरा, लॉन्ग रूट के लिए आप एक स्ट्रेच में 500 से 600 किलोमीटर एट वन गो आराम से इसको चला सकते हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। गाड़ी में स्पेस काफ़ी है, सो जो पीछे बैठता है पीछे की सीट पे वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तीन लोग बड़े आराम से खुले बैठ सकते हैं, कितने ही हेल्दी लोग। राइड क्वालिटी है, जो सस्पेंशन है, खराब सड़कों पर 60-70 की स्पीड से भी चला रहे हैं तो पीछे की राइड जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ MG Hector से, तो MG Hector की सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसकी राइड काफ़ी ज़्यादा बाउंसी हो जाती है। स्पेस की मैं बात करूं तो MG Hector में स्पेस सबसे ज़्यादा है, हैरियर से भी ज़्यादा स्पेस हमें मिलता है, लेकिन हैरियर के अंदर स्पेस थोड़ा सा ही कम है, कुछ ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमें राइड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है हमें। तो 2020 हैरियर में XT प्लस के अंदर हमें पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाता है, जो अंदर से जो सेंस ऑफ स्पेस है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अभी देख सकते हो आप कि मेरी हाइट तो 5'8" है, मेरे लिए तो हेडरूम बहुत ही अच्छा है। अगर 6'6" वाले बंदे भी हैं, जो ओनर है विवेक जी हैं, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा हाइट है उनकी, वो आगे बैठे हैं, उनकी हाइट के बंदे आगे पीछे बैठे हैं तो स्पेस में कोई इशू नहीं होगा, हेडरूम में कोई इशू नहीं होगा। मतलब स्पेस वाइज किसी तरह से कोई इशू नहीं हैरियर में होने नहीं वाला है। इसके बाकी कंपेटिटर से मैं अगर कंपेयर करूँ सेल्टोस या क्रेटा से, तो उनसे भी इसकी जो सस्पेंशन है, जो राइड क्वालिटी है, वो मच बेटर है, स्पेस ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा पीछे की सीट का कंफर्ट हैरियर का इज़ बेटर देन सेल्टोस, क्रेटा एंड MG Hector। जीप कंपस से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली उसकी राइड थोड़ी ज़्यादा कंप्लाइंट है, इतना अनसेटलिंग नहीं होता है ख़राब रोड्स पर एज़ कंपेयर टू हैरियर। बट वहीं जीप कंपस का डाउन साइड ये है कि उसकी जो रियर सीट में जो स्पेस है वो कम है, और रियर सीट जीप कंपस की इज गुड ओनली फॉर 2 पीपल। जो पीछे की सीट में वो काउंटरिंग और जो हम्प दिया गया है वो थर्ड पैसेंजर के लिए काफ़ी कुछ अनकंफर्टेबल बना देता है जीप कंपस में। लेकिन अगर हम हैरियर की बात करें तो मैं कहूँगा कि इस सेगमेंट में हैरियर का जो ओवरऑल रियर सीट कम्फर्ट का जो ओवरऑल पैकेज है, मैं उसे सबसे बेस्ट मानता हूँ। गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम इज रियली गुड। There are certain minor issues, but जो कि gradually overcome करने की कोशिश कर रही है।
सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, वो सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, बट साउंड क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी है. एक्चुअली साउंड क्वालिटी अच्छी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हैंडरेस्ट है इसके नीचे इन्होंने कूलिंग बॉक्स दिया हुआ है, दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर. अगर आप इसका हैंड ब्रेक देखें, कुछ लोगों को ये ऑकवर्ड से लगता होगा, बट मेरे लिए इट सेल्फ आई गेट अ फीलिंग दैट आई एम सिटिंग इन एन एयरक्राफ्ट. एट टाइम्स व्हाट हैपन, जब कोई मेरी गाड़ी में बैठता है तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, यार ये क्या है, एंड देन यू गेट अ फीडबैक फ्रॉम देम, यार दिस इज समथिंग व्हिच इज लुकिंग ऑसम. मतलब कुछ यूनिक है, अट्रैक्टिव है. एक्चुअली गाड़ी में बैठने के बाद ये चीज अच्छी फील होती है. गाड़ी के डैशबोर्ड एंड ऑल दैट इज रियली गुड. बेस्ट थिंग इज गाड़ी की सेफ्टी. मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जब मैं अपने बेटे को साथ में लेकर के जा रहा था और एक स्पीड ब्रेकर आया. मेरे आगे गाड़ी चल रही थी वेंटो. मुझे मेरा बेटा थोड़ा उठा, उठ करके आगे बढ़ने की उसने कोशिश करी, मैंने हाथ से उसको बढ़ाकर ऐसे संभाला. एंड मीनवाइल आगे वेंटो वाले के आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा, मैंने भी इसी दौरान ब्रेक मारा, मैं बेटे को संभालते हुए मेरी गाड़ी उसके साथ टच हो गई. गाड़ी आगे जा रही थी जैसा मैंने आपको बताया था. मेरा बेटा मेरी साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था, स्पीड ब्रेकर आया, आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा, वेंटो के ओनर ने जो ड्राइवर था उसने ब्रेक मारा. उसने जब ब्रेक मारा है, मैं अपने बेटे को संभालने के लिए मैंने ऐसे हाथ लगाया और गाड़ी उसकी गाड़ी की डिग्गी अंदर चली गई थी. तो बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसकी रिपेयरिंग करवाई, 2,500 रुपए लगे. अच्छा, बट आपको मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी में क्या हुआ. मेरी गाड़ी में यहाँ से चोट लगी थी, तो मेरा नंबर प्लेट थोड़ी सी अंदर चली गई है, बट एक माइनर सा या वुड से एक जो मेरी गाड़ी में एक डिफेक्ट आया वो ये है कि इसकी प्लास्टिक बॉडी यहाँ से टूटी है. ये बॉडी टूटी हुई है और ये मतलब आपने एज इट इज रखी है कार, आज तक रिपेयर नहीं करवाई है. कुछ नहीं करवाया, गाड़ी एज इट इज है. लेकिन VW की गाड़ियों को तो हम मानते हैं और होती भी है कि बहुत ज्यादा स्टर्डी कार्स हैं. और उसका आप इंसिडेंट बता रहे हैं कि हैरियर ने वेंटो को पीछे से ठोका तो वेंटो की डिक्की अंदर चलेगी, बट हैरियर को कुछ भी नहीं हुआ. राइट, दैट्स व्हाट बाय दैट हैपेंड बाय मिस्टेक. बट हां, ऑसम इन केस ऑफ सेफ्टी. मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, बहुत ही अच्छी बिल्ड है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास ये गाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी को कहीं भी लेकर के कहीं भी किसी भी सिचुएशन में ले जा करके छोड़ दें. यानी आप गाड़ी लेके हवा में उड़ा रहे हैं, यानी तेज चला रहे हैं, ब्रेक कराई तोड़ा रहे हैं, किसी गाड़ी में टक्कर मार रहे हैं, कुछ खोल दें, नहीं. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट वेरी वेल. तो मतलब आपका ये कहना है कि गाड़ी सेफ है, नो डाउट सेफ है, लेकिन सेफ्टी का मतलब कोई फॉर ग्रांटेड ना ले कि गाड़ी सेफली ले ली तो फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएं. हमें ड्राइव हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही लाइसेंस दिया जाता है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है. और अब आप एक बार बताइए अपना ऑनेस्ट फीडबैक कि आपको क्या है इस कार में जो अच्छा नहीं लगा और जिस चीज पर और इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती है. यार, स्टीयरिंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच आई फील लाइक कि आप इसका स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा हार्ड है इन कंपैरिजन विद इस सेगमेंट की जो और गाड़ियां हैं. आप ये सिटी ड्राइव में कई बार आपके हाथ थक जाते हैं. इसका स्टीयरिंग लॉन्ग रूट के लिए तो नो डाउट इट्स अ रियली कंफर्टेबल कार, बट जब आप यही गाड़ी शहर के अंदर चला रहे होते हो तो आपका स्टीयरिंग आपको थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग कंपैरेटिवली इस सेगमेंट की जो और गाड़ियाँ हैं उनमें थोड़ा हैवी है. तो आई फील लाइक इस स्टीयरिंग को और बेहतर बनाया जा सकता था. कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं गाड़ी लेकर के शहर के अंदर निकलूँ तो मैं ये लेकर के ना जाऊँ जब तक मेरे पास दो गाड़ियाँ हुआ करती थी. मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिटी के अंदर थोड़ा सा ये हैवी फील होता है, हाईवे पे देर इज नो प्रॉब्लम. अगर कोई मतलब व्यूअर हैरियर को लेने की सोच रहा है तो उसके लिए यही हम कह सकते हैं कि हाईवे पे बिल्कुल ओके, बट सिटी में थोड़ा हैवी फील होता है. तो सिटी में आपको क्रेटा जैसी कार थोड़ी ज्यादा सही लगती है, क्योंकि उसका स्टीयरिंग थोड़ा लाइट है, कंफर्टेबल टू ड्राइव हो जाती है. राइट, इसके गियर के साथ आई फील लाइक जितना स्मूथ होना चाहिए उतना स्मूथ नहीं है. और हो सकता था, और हो सकता था कि और गाड़ियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी है, हैवी एज इफ अगर आप मैं इस सेगमेंट में और गाड़ियों को चलाता हूँ जैसे क्रेटा या हेक्टर, अगर मैं उनको चलाता हूँ तो उनका गियर बहुत स्मूथ है. यानी अगर मैंने गियर को ऐसे सीधे किया और बहुत स्मूथली वो चला जाता है आगे या पीछे की तरफ, हम गियर चेंज बहुत आसानी से कर सकते हैं. बट हैरियर में मुझे कहीं ना कहीं फील आती है कि इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है. गियर कई बार खट की आवाज़ करता है तो ऐसा लगता है कि गियर लीवर में कहीं कुछ परेशानी ना हो रही हो. सो दिस इज़ अ मेजर, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग विच आई फील लाइक कि इतनी महंगी गाड़ी में सुधारने की ज़रूरत है. इसका सस्पेंशन आई फील कि और हम बेहतर कर सकते थे. अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक ऐसे ब्रेकर पे जहाँ जो आपको शायद इस चीज़ का एहसास दिला सकता है कि इसका सस्पेंशन और बेहतर हो सकता था. इसी रोड पे आगे जाकर के कुछ बम्प जैसे ब्रेकर थे, जैसे ये है, ये गंदे वाले खड्डे हैं. हाँ, ये देखें आप,
ये मुझे लगता है कि इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है टाटा को अपनी तरफ से। ये जो फील होती है पीछे की तरफ उछलने वाली, ये कहीं ना कहीं सस्पेंशन अगर दबा ले जाए तो गाड़ी में जो बंदा पीछे बैठा हुआ है या जो आगे गाड़ी चला रहा है उसको इतनी जर्किंग फील नहीं होगी। थोड़ा बहुत हैवी स्पीड ब्रेकर्स पे थोड़ा बहुत अंदर तक ट्रांसलेट होते हैं, बट सस्पेंशन ऑफ हैरियर इज स्टिल मच बेटर देन किया सेल्टोस और ह्यूंडई क्रेटा और इवन द एमजी हेक्टर। अगर हैरियर से बेटर इस सेगमेंट में किसी की सस्पेंशन है तो मैं वो कहूँगा वो है जीप कंपस की। जीप कंपस के अंदर आपकी जो राइड है अंदर वो ज़्यादा सेटल्ड और हैरियर से भी ज़्यादा कंप्लाइंट रहती है। इसका ये पिलर और हैवी ग्लासेस, ये साइड ग्लासेस जो दे रखे हैं, ये कई बार ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं हमारे लिए गाड़ी चलाते हुए। सो अब शायद नए वाले वर्जन में इन लोगों ने अभी इसको सुधारा है। इसके बाद जो म्यूजिक सिस्टम है हमारा, इसका टच मुझे कहीं फील होता है कि और गाड़ियों के कंपैरिजन में बेहतर होना चाहिए था। अगर मैं इसके टच को देखता हूँ तो वो टच में वो वाली फीलिंग नहीं आती जो और गाड़ियों में आती है। यहाँ पे जो इसका यूएसबी पोर्ट दिया है पुरानी वाली हैरियर के अंदर, वो काफ़ी अंदर दिया हुआ है। अब यही नई वाले वर्जन में इसको इन्होंने बाहर कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि रिवर्स कैमरा भी इसका बेहतर हो सकता था। अगर मैं गाड़ी थोड़ी रिवर्स में आपको ले जा करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि गाड़ी, आपको लगता है कि ये कैमरा थोड़ा और बेहतर होना, इसकी क्वालिटी और बेहतर हो सकती, क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी कैमरे की। मिरर भी ऑटो डिमिंग नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर जो वैनिटी ग्लास होना चाहिए था मिरर, वो भी आपको नहीं दिया गया। तो बेसिक कुछ जो चीज़ें हैं जिनको देख रहे गाड़ी को और अच्छा और एक लग्जरी फीलिंग दी जा सकती थी, वो मिसिंग है गाड़ी के। ये कार आपको कितने की पड़ी थी ऑन रोड? 18 लाख की पड़ी थी। 18 लाख ऑन रोड देने के बाद भी हमें ऐसे कुछ छोटे फीचर्स मिसिंग है जैसे कि ऑटो डिमिंग, IRVM नहीं है या वैनिटी मिरर तक नहीं है। राइट। टाटा के लिए सबका एक मेन कंसर्न रहता है टाटा की सर्विस, मतलब काफ़ी लोगों की कंप्लेंट रहती है कि टाटा की सर्विस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो आपने कार कितनी चला ली है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है टाटा की सर्विस को लेके? एग्री करता हूँ यार हिमांशु मैं आपके साथ जो आप इस बात को बता रहे हैं। टाटा का सर्विस सेंटर पे जो इनकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वी एक्सपेक्ट मोर। इंडियन ब्रांड होते हुए वी एक्सपेक्ट कि अगर हम उनकी गाड़ियाँ ले रहे हैं और वो एक अच्छी गाड़ी बना रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद थोड़ी हाई हो जाती है। ये एक जगह है जहाँ पे टाटा को सुधार करने की ज़रूरत है। रेस्ट गाड़ी मैंने 18,438 किलोमीटर चला लिया है। वो चीज़ें कितनी ख़राब लगी सर्विस को लेके, कि इतनी ख़राब लगी क्या वो किसी के लिए डील ब्रेकर हो सकती हैं और यू कैन लिव विद दोज थिंग्स? कहीं ना कहीं देखिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप हेक्टर बहुत सारे रिव्यूज आते हैं नेगेटिव उसके बारे में, बहुत नेगेटिव रिव्यू, राइट? तो बट वी यू वुड स्टिल फाइंड कस्टमर्स हु आर एक्चुअली हैप्पी विद एमजी हेक्टर। सर्विस सेंटर की तरफ से जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इज वन ऑफ द कंसर्न दैट एक्चुअली कस्टमर्स फेस कर रहे हैं। बट स्टिल आई एम देयर इन मल्टीपल ग्रुप्स हैरियर के, जहाँ पे मैंने देखा है कि और जगहों पे कुछ सर्विस सेंटर्स ऐसे भी हैं जो एक्चुअली अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है, कोई सर्विस सेंटर अच्छी दे देता है कोई नहीं दे देता है, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है। right. और वो मतलब ओवरऑल अगर वो कंसर्न है तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स को उस पर ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर बिना सोचे जाए किसी भी सर्विस सेंटर और उसे सेम अच्छा एक्सपीरियंस मिले। आग्री, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आपकी अभी तक एक ऑयल चेंज सर्विस हुई है क्योंकि गाड़ी 18,000 चली है, तो उसमें कितना खर्चा आया था? अराउंड 9,500 का खर्चा आया था जहाँ पे मेरा ऑयल चेंज हुआ। अभी रिसेंटली मेरी 3-4 दिन पहले एक माइनर सर्विस हुई है जिसमें 3,500 रुपये का खर्चा आया। इसके बाद जो 7,500 किलोमीटर के बाद मेरी अगली और सर्विस है जो जून में होगी, वहाँ पे मेरा ऑयल चेंज होगा एंड आई एक्सपेक्ट कि 9-10 हज़ार के करीब खर्चा आएगा। राइट। तो इतनी बड़ी कार में 9-10 हज़ार खर्चा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो कि 1 लाख किलोमीटर्स पे जाके जब कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स की क्लीनिंग होती है, वो सब होता है, तो वहाँ पर खर्चा आता है, वो हर डीजल गाड़ी में आता है। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि गाड़ी की मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है। right. बट हाँ, सर्विस क्वालिटी जो है उसमें टाटा को सुधार की डेफिनेटली अभी भी ज़रूरत है। जितनी अच्छी उन्होंने कार बनाई है उतनी अच्छी सर्विस करने की उन्हें ज़रूरत है। अभी वाली जो टाटा हैरियर है, जो उसमें न्यू लॉन्च हैरियर में जो इश्यूज थे, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर दी गई है। तो अगर कोई लेना चाहता है हैरियर तो आप स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि वो हैरियर के साथ एब्सोल्युटली। और इसका जो सनरूफ है नई वाली गाड़ी के अंदर आया, दैट्स ऑसम। पैनारोमिक सनरूफ, मैंने उसको फील किया है किसी अपनी दोस्त की गाड़ी में एंड मेरी भी एक अपनी फील है जो मैं अपने बेटे को साथ लेकर के पैनारोमिक सनरूफ
के साथ उसको कहीं लेकर के लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं। फ्यूचर में अगर आप गाड़ी चेंज करना चाहेंगे तो ऐसा हम मान सकते हैं कि आप हैरियर देके हैरियर ही ले लें या नई वाली लॉन्च टाटा सफारी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में बिल्कुल ये ख्याल आया था, फ्यूचर में अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर सनरूफ वाली कोई गाड़ी लेना चाहूंगा, एंड दैट कुड बी हैरियर अगेन। हैरियर के अंदर 2.0 लीटर का क्रायोटेक इंजन आता है जो एक फिएट सोर्स डीजल इंजन है। ये वही इंजन है जो हमें जीप कंपस और एमजी हेक्टर में भी मिल जाता है। हैरियर जो आज हम ड्राइव कर रहे हैं ये 2019 मॉडल है, ये जस्ट जब लॉन्च हुई थी हैरियर तब वाला मॉडल है। इसके अंदर हमें 138 bhp का इंजन मिलता है, लेकिन अभी जो 2020 वाली जो हैरियर आ रही है, जो 2020 में अपडेट की गई है और 2021 में भी वही आ रही है, उस हैरियर के अंदर उसी इंजन की पावर को ट्यून करके बढ़ा दिया गया है और वो पावर कर दी गई है 170 bhp। तो अगर मैं इंजन की बात करूं, इंजन टॉर्क की बात करूं, पावर की बात करूं, हाईवे पर ड्राइव की बात करूं, जब आपको ओवरटेक करना होता है, उन सब चीज़ों में ये इंजन बहुत ही अच्छा है। जिस टाइम पर जितनी पावर चाहिए, ऑल द पावर इज राइट देयर। एक इको मोड दिया है, एक सिटी मोड दिया है और एक स्पोर्ट्स मोड दिया है। तो अभी जो मैं कार चला रहा हूँ वो मैं सिटी मोड में कार चला रहा हूँ, और अगर मैं इसको इको मोड में इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो गया है और मुझे ड्राइव करते हुए फील हो रहा है जो मेरी इंजन की जो पिकअप है वो कम हो गई है, मुझे उतना पंच नहीं मिल रहा है। इसको फिर से ऑफ कर देता हूँ। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सो बाय डिफॉल्ट सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड रहता है। इसके अंदर हमें दो बटन दिए गए हैं, इकोनॉमी मोड या स्पोर्ट्स मोड। अब सिटी ड्राइव मोड में नॉर्मल चलती है कार, और अगर हमें ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा बूस्ट चाहिए, तो हम स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे हमें इमीडिएट सर्ज ऑफ पावर जो है वो मिल जाता है। इसके अंदर 350 Nm का टॉर्क है, और ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस में हमें 250 Nm का टॉर्क मिलता है, उनसे थोड़ा पंच ज़्यादा है, ड्राइव करने में हमें थोड़ी फील ज़्यादा आएगी हैरियर के अंदर। लेकिन वही मैं अगर NVH की बात करूँ तो इस वाली हैरियर के अंदर हमें जो अंदर वाइब्रेशन है, नॉइस है, वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है। 2020 वाली हैरियर में उसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है, लेकिन NVH के मामले में अभी भी जो बेंचमार्क है वो किया सेल्टोस और ह्यूंडई क्रेटा ही है, उनके अंदर जो NVH है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। तो हैंडलिंग में अगर आपको मनूवरिंग करनी है, कॉर्नरिंग करनी है, तो जो स्टेयरिंग का फीडबैक है और जो प्रिसीजन है, जो एक्यूरेसी है, इसमें थोड़ी सी वेगनेस है, स्टेयरिंग उतना एक्यूरेट फील नहीं होता है, तो वो चीज़ हमें क्रेटा और सेल्टोस में थोड़ी बेहतर मिल जाती है। एमजी हेक्टर में इससे भी कम मिलती है हमें, और क्रेटा सेल्टोस में बेटर मिलती है, लेकिन बेंचमार्क में सेगमेंट में फिर से कहूँगा उन टर्म में जो है वो है सिर्फ और सिर्फ जीप कंपस। हैरियर के बूट स्पेस को देखेंगे तो 425 लीटर। एट सर्टेन सिचुएशन जहाँ मुझे काफ़ी सामान लेके कई बार निकलना पड़ा घर से बाहर, वहाँ पे मैं दो एयरपोर्ट बैग, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं काफ़ी कुछ और इसमें कैरी कर पाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बूट स्पेस है इसमें कुछ ऐसा भी एरिया इन्होंने हिडन दे रखा है जहाँ पे आप कुछ और सामान को रख सकते हैं। ये मोर ओवर आप शूज़ वगैरह कैरी करने के लिए या कोई ऐसा सामान जो आप नीचे और रखना चाहते हैं ऑक्यूपाई हो जाए उससे आप इसको कवर कर लेंगे। साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे टूल किट की भी इन्होंने जगह दी हुई है, बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज्ड वाला है कि स्टेपनी एक्चुअल में नीचे दी गई है। टायर यहाँ पे इसका नीचे है, अगर देख सकते हैं यहाँ पे हमने हैरियर की सीट को फोल्ड कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है हल्का सा, लेकिन ये है इसका ओवरऑल स्पेस। अगर हमें कार्गो स्पेस की बात करें कि हैरियर के अंदर हमें कुछ ज़्यादा सामान कैरी करके ले जाना है तो इस तरह से हम करके ले जा सकते हैं। और एक चीज़ जो टाटा बेहतर कर सकता था वो था 60-40 स्प्लिट्स अपने लोअर वेरियंट्स में भी दे देते, बट अनफॉर्चुनेटली टाटा 60-40 स्प्लिट्स सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरियंट में ही देता है। हैरियर का बोनट चेक कर लेते हैं, इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। अरे बहुत भारी है, एक बार विवेक जी कैमरा पकड़ो, एक हाथ से नहीं उठ रहा है, मतलब काफी भारी है ये, इससे हम अच्छे से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अपनी।